सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। MH1 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और देश की शान में आज हमारे साथ गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर गौरव सोलंकी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे आज हम करेंगे दो दो हाथ। गौरव, स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। गौरव, तैयार हैं आप दो दो हाथ करने के लिए? जी बिल्कुल। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही आपको बधाई। आपने गोल्ड कोस्ट में आपको कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड मेडल मिला है उस सफर की हम बात करेंगे और साथ ही सफर की शुरुआत कैसे हुई वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और अब आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा रहा कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस। पहली बार आप कॉमनवेल्थ गए और वहां पर गोल्ड मेडल लेकर लौटे हैं, जाने से पहले ही आपने तय कर लिया था कि गोल्ड लाना है, ये सफर कैसा रहा, कैसी रही इस बार कॉमनवेल्थ की जर्नी? जी, जर्नी काफ़ी अच्छी रही और मैं इस बार काफ़ी मेहनत करके गया था, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था और मैं काफ़ी फोकस भी था और ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी थी, इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मुझे गोल्ड लेकर ही आना है। जी, क्या कुछ वहाँ से गुजरना पड़ा, कितनी मेहनत, कितना एफर्ट लगा, वो आप ही हमें बता सकते हैं कि ये जो जज्बा था, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, इस सफ़र की शुरुआत नॉर्मली स्कूल में गेम्स खेलते हैं बच्चे, जैसे हमारे स्कूल में भी बॉक्सिंग आई थी तो मैं वहाँ पर जाने लगा, तो फिर सुबह शाम दोनों टाइम जाने लगा, फिर इस गेम को लेकर लगा कि हाँ इस गेम में मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वहीं से मैंने सोचा कि अब मुझे गेम ही खेलना है और गेम में कुछ करके दिखाना है। जी गौरव, इस सफर के ऊपर हम आपसे बातचीत को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा कराते हैं। जब आप गोल्ड कोस्ट में थे और कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने जो फाइनल मुकाबला है जब पंच मारा, गोल्डन पंच मारा और देश के लिए आपने मेडल जीता, 4-1 से आपने वो फाइट जो है जीती, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं क्या कुछ चल रहा था उस वक्त मन में जब फाइनल जो फाइट चल रही थी आपके, कितना प्रेशर था? जी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, मैंने सिर्फ अपने आप को ये समझाया हुआ था कि मुझे अपना बेस्ट देना, क्योंकि मैं अगर बेस्ट दूंगा अपना तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो मेरे मन में ये था सिर्फ कि मुझे बेस्ट देना और अपने ओपोनेंट पे फोकस रखना जीत, और मुझे मुकाबला किसी हालत में भी जीतना है। जी, फाइनल फाइट को लेकर अगर बात करें, उत्तरी आयरलैंड के जो प्लेयर थे ब्रेंडन इरवाइन, वो किस तरह के खिलाड़ी थे और आपने 4-1 से उन्हें हराया, शुरू से ही आप उन पर हावी रहे, आपने उन्हें शुरू से ही फाइट में जो है कड़ी टक्कर दी और उनके ऊपर हावी रहे, क्या टैक्टिक थी, क्या तकनीक थी आपकी? जी, हर खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है, हर बॉक्सर के लिए, कि वो शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखे और मैंने भी यही किया, मुझे शुरू से ही जीत की ओर अग्रसर होना था अगर यह मुकाबला जीतना था, तो मैंने भी सेम टेक्निक अपनाई और उस पर अच्छे से काम किया। जी गौरव, जैसा कि आपका नाम है, आप वाकई देश की शान हैं और पूरे देश को आप पर गौरव है, आप देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए।